अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आ गई थी सदर बाज़ार क्योंकि मुझे कुछ इस तरह कटदानों वाले सूट चाहिए थे, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ और मैं ख़ुद भी देख लेती हूँ। जब हर दफ़ा बाज़ार आती हूँ तो इनमें नई वैरायटी आई होती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है ऐसे कपड़ों की। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ न्यू डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ। और जहाँ तक इन शॉप की बात है जो, तो ये पीरालम मार्केट है। मैं पहले भी काफ़ी बता चुकी हूँ कि ये पीरालम मार्केट के बेसमेंट में आपको इस तरह काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिल जाएंगी जिनके पास सारे के सारे इस तरह के कटदाने के सूट हैं। यहाँ पर कुछ सूट आपको ऐसे मिलेंगे कि वो सिर्फ शर्ट्स है, जैसे कि ये सिर्फ शर्ट्स है और ये 2 गज़ शर्ट देते हैं और 2.5 गज़ का दुपट्टा देते हैं और 1/2 गज़ के इसके साथ स्लीव्स होते हैं, मतलब दुपट्टे ही में स्लीव्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, ये जो मैं देख रही हूँ ये भी 2 PC में है और मुख्तलिफ रेट्स हैं यहाँ पर। अच्छा जी, मैंने एक बात सब दुकानदारों से नोट की है, जब आप लोग लेने के लिए जाते हो, मतलब जब आप लोग कहते हो कि मैंने लेने हैं तो फिर ये लोग बार्गेनिंग करते हैं, और अगर आप लोग कहो कि नहीं अभी मैंने सिर्फ देखना है तो ये लोग भी फिर बिल्कुल भी कीमत कम नहीं करते। तो अभी ये भी मुझसे बोल रहा था कि आपने लेना है या देखना है, तो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ देखना है, तो फिर देखने की एक कीमत होती है, लेने की दूसरी कीमत होती है, तो खैर हम कम कर लेंगे। अच्छा, इस शॉप पर मैं आई हूँ, ये वही पीरालम की बेसमेंट में शॉप्स है। ये इनके पास बहुत ज़्यादा वेरायटी इस तरह की थी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रही थी। कीमतें भी सबकी मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है काम काम की बात होती है, जितना ज़्यादा काम होता है उतनी ही कीमत ज़्यादा बढ़ती है। और 2 पीस सूट तो खैर 1000 रुपये का भी आ जाता है, जब मतलब आप लोगों ने शमीज़ और शवा के लिए कपड़ा लेना होता है, और 2000 का भी आ जाता है, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पर एक फैमिली बैठी हुई थी, उनको इस तरह का ये गाउन दिखा रहा था जो कि इन्होंने खुद ही बनवाया था, और मैंने भी थोड़ी बहुत इसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा कि इससे इस तरह के गाउन मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के नेट में, वैसे शलवार के बिना मुझे सिंपल बिल्कुल प्लेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इनके पास इस तरह की शर्ट्स भी थी और ये लेने के लिए मैं आई हुई थी। ये मैंने शर्ट लिए, 2 गज़ के मैंने शर्ट का कपड़ा लिया है, और ये 13,000 रुपये की सिर्फ शर्ट बोल रहे थे, और फिर लड़ झगड़ के मैंने इनसे 10,000 रुपये की शर्ट ली जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी रही थी। इसमें एक आइस ब्लू कलर भी था और एक ये पिंक कलर था, ब्लू कलर भी था, ब्लैक भी था, तो मैंने इसमें पिंक कलर लिया। अच्छा, ये इनके पास पड़े हुए थे कुछ ओल्ड कपड़े। सर कटानी ना बगैर बल सिस्टम ये सर दुपट्टा था जी, सर दुपट्टा ही नष्टा दबा सो बाजी वाला खुश रह गई बाजी मस्त दुपट्टे वाला को नवल, मतलब वो कह रहा था कि ये डिज़ाइन पुराना है, इस वजह से इनकी कीमतें 7,000 रुपये की शर्ट बोल रहा था, और इसमें सारे कलर थे, सारे डिज़ाइन थे। वैसे ही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब सिर्फ अगर आप लोग मैक्सी के लिए इस तरह की शर्ट लेंगे तो मुझे अच्छी लग रही थी। इसमें वाइट भी थे, ब्लैक भी थे, खैर वो कहते कि ब्लैक वाइट न्यू है, सिर्फ जो साइड पर पड़े हुए हैं तो वही पुराने डिज़ाइन है। तो बस यहाँ से मैंने ले ली थी शर्ट, और इसके अलावा भी मैंने कपड़े वगैरह देख लिए थे। अच्छा, इस शॉप्स का जो यहाँ से ये मिल रही थी ये उसके साथ ही शॉप थी, और यहाँ से मैंने ये पता करवाया तो ये तकरीबन 3,500 रुपये का 2 पीस बोल रहा था, दुपट्टा और इस तरह की कमीज़ बोल रहे थे। यहाँ पर मैं आप लोग को कार्ड भी शो करवा देती हूँ, क्योंकि आप लोग फिर बहुत ज़्यादा मुझसे गिला शिकवा करती हूँ कि मैं कार्ड शो नहीं करती। असल में मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी जब मैं ले लेती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ, और जब मैं नहीं लेती तो फिर मैं भूल जाती हूँ। इसमें कलर बहुत ज़्यादा थे और ये अच्छे भी लग रहे थे, तो यहाँ पर बस आप लोगों को कार्ड भी नज़र आ चुका होगा। अगर आप लोगों ने इस शॉप से शॉपिंग करनी है तो जाकर यहाँ से कपड़े ले ले, क्योंकि फिर आगे ईद भी है, जाहिर ईद के लिए भी कपड़े चाहिए होते हैं। बस जाते जाते जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने उसकी वीडियो बना ली है। तो बस सदर बाज़ार से ये होता है कि आप बंदा जाते हैं एक काम के लिए और फिर देख काफ़ी कपड़े लेते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आए हुए आजकल। ये नेट के मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें ये बाकी सारी शॉप्स वाले के पास इस तरह की वैरायटी आई हुई थी, और सबकी प्राइस डिफरेंट होती है, हर कोई अपनी मर्ज़ी की कीमतें बोलता है। अब यहाँ पर एक ही मतलब बेसमेंट में मार्केट में एक मुझे 14,000 का बोल रहा था, ये मुझे 12,000 का बोल रहा था। तो खैर
इनके पास मुझे ये वाइट वाला बहुत प्यारा लग रहा था। ये आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत ये लग रहा था, वाइट के ऊपर वाइट बिल्कुल अच्छा लग रहा था। इनके पास दुपट्टे भी थे, साथ में दुपट्टे भी देते हैं, शर्ट भी देते हैं, टू पीस में देते हैं, मतलब थ्री पीस भी अगर लेना हो तो वो भी मैच करके दे देते हैं। तो खैर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो ये कुछ नया सा कपड़ा था, अब ये नई चीज़ आई है, कोई चाइना सिल्क कपड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, काम भी इस पर बिल्कुल चेंज है और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 22,000 रुपये ये रेट बोल रहा था और कह रहा था कि खैर कम कर देंगे, कलर में इसमें बहुत ज़्यादा थे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि नई चीज़ आई हुई थी। तो बस वहाँ से हम लोगों ने ले लिए थे कपड़े। अब मैं आ गई हूँ अपने सोफ़ा कम बेड के लिए, कवर लेने के लिए, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे कहा था कि मैं जब भी जाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये चाइना मार्केट है, ये गरबी थाने के बिल्कुल सामने जब आप आते हो तो यहाँ पर आप लोग को इस तरह की मार्केट मिल जाती है जहाँ पर हर किस्म का कपड़ा आपको मिल जाता है। इनके पास सोफ़ों का कपड़ा, पर्दों का कपड़ा अच्छे से अच्छे आप लोगों को मिल जाता है। इसका बर छोटा होता है, मतलब यार्ड छोटा होता है, कुछ सवा गज़ होते हैं, कुछ गज़ का होता है, मगर सारे सोफ़ों के लिए कवर के लिए मतलब ये कपड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, कलर भी मैं चेक कर रही थी क्योंकि मुझे सर लाइट कलर में चाहिए था। अब इन दो कलर में मुझे अच्छा भी लग रहा था और ये 1,000 रुपये गज़ बोल रहा था। अब मैं कम करके कुछ 900 रुपये गज़ दे लूँगी क्योंकि मुझे 7 गज़ का कपड़ा चाहिए था सोफ़ा कम बेड के लिए। 800 रुपये अब ये वाला कपड़ा जो है तो कुशन के लिए यूज़ होता है, किसी भी मतलब कलर के ऊपर इस तरह के कुशन आप मल्टी कलर के बना ले जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने ख़ुद इसमें एक कलर लिया था जो कि मेरे पर्दों का भी है और दो कुशन भी मैंने इसे बनाए थे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खैर अभी मैं देख रही थी और फाइनल मैं कर रही थी कि मैं कौन सा कपड़ा लूँ, तो बस यहाँ से मैंने लिया था कपड़ा और साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को कार्ड भी नज़र आ गया होगा जिस शॉप से मैंने ये कपड़ा लिया है। अच्छा ये तो है कुशन के लिए मगर इसका कपड़ा भी अच्छा कपड़ा था, वो कह रहे थे कि इससे आप सोफ़े वगैरह पे भी इस तरह के कपड़ा लगा सकते हैं, वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ से मैंने ले लिया था अपने सोफ़ा का बेड के लिए भी कवर और बस यहाँ से हम निकल जाएंगे, रक्षा कर लेंगे क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा अब लगती है, जब बाहर आप आते हो तो गर्मी लगती है। अच्छा जाते जाते मुझे यहाँ पर कुछ बेड शीट पसंद आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और ये भी लाट में आई हुई थी। अब हर एक चीज़ लाट में आने लग गई है और ये बेड शीट भी बहुत प्यारी थी, मतलब ये लाट में आई हुई थी। एसी वाला नहीं तपा सा चोलो का ना हां वो तसुरी वाला का ना तश्ते का डक से इंदा से चाहिए हां वो हां दा रेंट ठीक सारे पांच को ग्रांड देखना रखे दा मोटर वाला दोनों वर्क दे तसुरान ना खेम दे बबेड़ा छु ये तखेम भारी ने सही दा ग्रांड बेड शीट की वैरायटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह इस पर एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर पसंद आ रही थी। खैर मैंने उनसे कम करवाई, मैंने कहा कि 5,500 का बोल रहा था, मैंने कहा 3 का दे दो मगर उसने मुझे नहीं दिया। तो खैर अभी फिर जब इंशाल्लाह जाऊंगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बस जाते जाते कुछ यहाँ पर पर्स भी हम देख रहे थे, ज़ाहिर है जब ख़वातीन कहीं से गुजरती है तो कुछ ना कुछ तो देखना पड़ता है। और यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।